नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हार्ट हिट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों पर जो नेम बोर्ड चलता हुआ देख रहे हैं, एक लाइन में 12 एलईडी है, टोटल 32 लाइन है दोस्तों। नेम के साथ इसमें डिजाइन भी चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों एक और बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए बोर्ड। इस बोर्ड में दोस्तों एक लाइन में 10 एलईडी है, ठीक है, और टोटल 30 लाइन है, दो नेम बोर्ड है दोस्तों। अब मैं जो आपको खास बात दिखाने जा रहा हूँ ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने ये कंट्रोलर लगा रखा है, ठीक है। इस कंट्रोलर का नाम है 11-in-1 स्मॉल साइज, मतलब 11 साइज इस एक कंट्रोलर में चलती है। हर साइज में नाम भी चलेगा और डिजाइन भी चलेगी। नाम में आप अपना नंबर वगैरह, नाम वगैरह, फ़ोन नंबर, जो भी आपको डिस्प्ले करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए वो आप डिस्प्ले करिए। साथ में दोस्तों ये जो डिज़ाइन चल रहा है, इस तरह की दिल वाली, बटरफ्लाई वाली डिज़ाइन, साथ में एनिमेशन वाली, काफ़ी सारी डिजाइनें चलाई दोस्तों। डिज़ाइन की आप स्पीड भी घटाइए बढ़ाइए अपने हिसाब से, वो दोस्तों वो सब आप कर सकते हैं, सारे फीचर कंट्रोलर में दिए हुए हैं। तो अब चलिए मैं आपको ये सेम कंट्रोलर जो है हमारा, यही कंट्रोलर मैं आपको 10 वाले बोर्ड में लगा के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या सेटिंग करनी है और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि आप ये सेम कंट्रोलर अपना 10 वाला बोर्ड भी चला सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं पहले कंट्रोलर यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोलर मैंने यहाँ से निकाल लिया है, अब मैं कंट्रोलर लगा देता हूँ इस बोर्ड में। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने कंट्रोलर लगा दिया है। अब देखिए आप, इसमें इस तरह का डिजाइन चल रहा है, ठीक है, मतलब चल रहा है। अभी 12 में चल रहा था और मैंने 10 वाले बोर्ड में लगा दिया, ठीक है, तो चल तो रहा है, लेकिन अभी इसमें ना डिजाइन समझ में आ रही ना नाम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें अब इसमें सेटिंग जो करनी है वो कैसे करनी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी इंटरनेट बंद किया, वाईफाई ऑन करना है, ठीक है। जब वाईफाई ऑन करोगे आप तो इस तरह से आपको सारे नेटवर्क दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, HHE ऑल साइज वाईफाई कंट्रोलर इस नाम से आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, पासवर्ड आपको डालना है 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। पासवर्ड डाला मैंने, अब मैं इसे करता हूँ कनेक्ट, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग आईपी एड्रेस दिखा रहा है, अब ये कनेक्टेड लिख के आ जाएगा। देखिए दोस्तों कनेक्टेड, नो इंटरनेट दिखा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरनेट ही नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा, इसमें नो इंटरनेट ही दिखाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको कीप कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल क्रोम पे, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, गूगल क्रोम पे ओपन किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आईपी एड्रेस डालना है। आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.4.1, ठीक है। ये मैंने आईपी एड्रेस डाला, ऐसे क्लिक। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले वेलकम लिखा था, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है, अब फिर से आपको नाम इसमें एंटर करना है। फिर से मैं नाम एंटर कर रहा हूँ, WELCOME, ठीक है। ये मैंने वेलकम इसमें डाल दिया। अब मैं इसको, क्योंकि अपना एस टाइप ही है इसलिए मैं इसको एस टाइप ही रखूंगा। यहाँ पे मुझे कनेक्शन में चेंज करना है 10 into 120, ठीक है। 10 into 120 मुझे करना है, क्योंकि ये 10 into 30 का बोर्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 into 120 करूँगा। और यहाँ पे मैं इसको डिजाइन की स्पीड को फास्ट ही रखता हूँ, यहाँ मैं इसको कर दूंगा सेंड, ठीक है। ये मैंने दोस्तों सेंड कर दिया। अब दोस्तों सेंड करने के बाद क्या करना है हमको, सेंड करने के बाद दोस्तों हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले जाना है कंट्रोलर के पास, ठीक है। कंट्रोलर मैं यहाँ से निकालूंगा, ये मैंने निकाला और ये फिर से लगा दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कंट्रोलर वही है, मैंने कंट्रोलर फिर से निकाला और लगा दिया। अब ये देखिए दोस्तों डिजाइन सबसे बढ़िया चल रही है इसमें, ठीक है। अभी ये जैसे ही डिजाइन निकलेगी उसके बाद फिर इसमें नेम आना स्टार्ट हो जाएगा, जो अभी हमने नेम डाला, जैसे हमने वेलकम डाला है तो वेलकम आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कैसे नेम आ रहा है। तो देखिए ये आपका जो नेम है, जो भी हमने डाला था वेलकम डाला था, तो वेलकम लिख के आने लग गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सेम कंट्रोलर लेके आप 8 में, 10 में, 12 में, 16 में, 20 में, इन दोस्तों इन सारी साइज में एस हो या जेड हो, कोई भी कनेक्शन हो, आप बड़े आराम से नाम भी चला सकते हैं और डिजाइन भी चला सकते हैं।
दोस्तों, इस कंट्रोलर को खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, खरीद सकते हैं, फोन करके भी आप मंगा सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी मंगा सकते हैं।